कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब फिट एंड फाइन होंगे, गुड एंड हेल्थी होंगे, मज़े में होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो जानजे भाई तो नहीं है, मैंने सोचा कि आज अकेले ही रिएक्शन देता हूँ। सो काफ़ी टाइम बाद महाभारत पे मैं रिएक्शन देने लगा हूँ। है कथा संग्राम की, महाभारत फुल टाइटल सॉन्ग, महाभारत रियल हिस्ट्री, एक ऐसी वॉर जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। और स्पेशली इस वॉर में जो वॉर का हीरो था रियल करना भी कहते हैं और करण भी कहते हैं। सो उनकी जो दानवीर भी जिन्हें कहा जाता है, तो महाभारत की काफ़ी सारी वीडियोस पे हमने रिएक्शन दिया, एक से एक बढ़कर। सुखनी मामा अफगानिस्तान से थे और महाभारत से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी है, थोड़ी बहुत भी है, इतनी तो नहीं है लेकिन जितनी वीडियोज़ देखी हैं वैसे ही है। सो मैं अकेला रिएक्शन देने लगूँ, थोड़ा अकेले पे थोड़ा वो भी होता है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट, होप यू लाइक माई रिएक्शन। सो चलते हैं यार, वीडियो को स्टार्ट करते हो उससे पहले गाइस, चैनल पे नहीं हो तो यार हिट दी बेल आइकन एंड सब्सक्राइब पे भी एक पंच मारते जाना, ताकि जो हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर अवर वीडियो। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। डाइस्केप ये वाला सीन जहाँ द्रौपदी के साथ व्यक्ति की गई थी, पांडव सुखनी मामा ओ माइंड ब्लोइंग यार। है कथा संग्राम की, शक्ति है भक्ति है, इंटरेस्टिंग लाइंस यार। काफी अच्छा सेटअप किया हुआ है यहाँ पे तो, और कृष्ण जी फ्रंट पे। आई थिंक ये वाला कौन सा सीन था यार, लास्ट में बताइएगा। महाभारत, अरे ये वाला सीन जहाँ पे स्टोन उड़ रहे हैं, ये वाला सीन लास्ट भी बताइएगा। महाभारत यार क्या बात है, मतलब वो तीर इतना शक्तिशाली था, जॉब को भी टच करते गया। कृष्ण की कल्याण की, सुखनी मामा की कहाँ बंद की होती यार, इसकी किसी को रीजन है ये भी बताइए। करण सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र करण शील्ड, द्रौपदी जी इनका जन्म आग से हुआ था आई थिंक, है ना।
महाभारत। हिस्ट्री ये वाला सीन भी याद है जहाँ कृष्ण जी द्रौपदी जी की रक्षा कर रहे थे साड़ी में। शक्ति है भक्ति है, ये वाली लाइन जबरदस्त है यार। सूरभ राजेन ने लेवल की एक्टिंग की है यार, कृष्णा जी का रोल करना कोई इजी बात नहीं है। सब्सक्राइब। महाभारत टाइटल सॉन्ग था यार, उसमें मचा। आई थिंक सॉन्ग छोटा सा था लेकिन उसके अंदर बहुत सारी क्लिप्स डाले गए हैं महाभारत से रिलेटेड। और सूरभ राजे ने जो एक्टिंग की है कृष्ण जी की, वो हम सब जानते हैं, स्पेशली उनकी जो स्माइल थी उसको रोल को लेके, कृष्ण जी के रोल को लेके वो स्माइल, हर कोई उसके स्माइल पे फिदा हुआ करण। और महाभारत यार एक ऐसा युद्ध था, ऐसी वॉर थी जिसमें अपनों का खून बहुत बह गया, ठीक है, अभिमन्युओं का खून जैसे कि था सबसे। उसके बाद करण ने जो लास्ट, मैंने कन्वर्सेशन देखी थी कृष्ण जी एंड करण की, तो करण ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था कृष्ण जी से कि यार क्या कभी दुनिया को पता नहीं चलेगा कि करण एक दानवीर था, एक योद्धा था, करण की कुर्बानियों का क्या कभी किसी को, जो सैक्रिफाइसेस किए उसके बारे में क्या कभी किसी को नहीं पता चलेगा। तो वो जो कन्वर्सेशन थी वो भी काफ़ी ज़बरदस्त थी। लेकिन महाभारत करण ने जो जो दानवीर दी, उन्हें जो जो शराब मिले, उनकी जो लाइफ थी ना वो एक तरफ और महाभारत आई थिंक एक तरफ, क्योंकि करण बिल्कुल राइट वे पे थे, बस वो दोस्ती के चक्कर में दुर्योधन उनको जो है ना रॉन्ग ट्रैक पे ले गया था, इस वजह से आई थिंक करण जो है वो रॉन्ग ट्रैक पे चले गए थे। वरना करण और अर्जुन इन्हें कौन नहीं भूल सकता है यार, कौन जो है ना हमेशा याद रहेंगी, ये दोनों दिलों में है बिल्कुल। और करण तो सूर्यदेव के बेटे थे तो उनकी जो मतलब शक्ति थी उनसे, वैसे भी उन्हें हराया तो नहीं जा सकता था, फिर उनके आई थिंक गुरु ने उनसे वो शक्ति ली थी, शक्ति ले ली थी ताकि उनको हराया जा सके, वैसे तो हरा नहीं सकते थे। आई थिंक वो रूप बदल के आए थे थोड़ा बहुत जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद गई रिएक्शन दे रहा हूँ महाभारत और खेले में दे रहा हूँ जहाँ से भी नहीं है, और मैं कंफ्यूज भी हूँ, सो थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो समझ आता हूँ। लेकिन प्लीज़ ठीक है, थोड़ी करण जी के शराब के बारे में जहाँ तक मुझे याद है, एक शराब उन्हें दिया था उन्होंने जो ब्राह्मण होने का झूठ बोला था, गुरु जी ने उन्हें शराब दिया था, फिर एक दफ़ा ज़मीन पे पता नहीं कुछ माखन गिर गया था कि तेल था, वो वाला शराब था ठीक है, और किसी की गाय को मतलब उनसे तीर लग गया था, वो वाला शराब था। और उसके अलावा करण की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ थी हमें पता था, लेकिन करण वाज द रियल हीरो ऑफ महाभारत। और ये सॉन्ग भी यार गूज़बम दे डाला, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पेशल द्रौपदी जी का वो सीन जहाँ पे मतलब उनके साथ जाति की जा रही थी और पांडव ने कुछ नहीं किया, वो वाला सीन जो है यार, और वहाँ पे सबसे बेस्ट सीन जो था ना यार, जहाँ पे कृष्ण जी मतलब वहाँ पे अपनी साड़ी इस तरह यूँ उतार रहे थे और नीचे आके वो सेव कर रही थी द्रौपदी जी को, तो वो जो सीन है ना वो बहुत सारे लोगों को दिल। और मैंने सुना था कि यार रक्षाबंधन उससे रिलेटेड है कि यार कृष्ण जी की एक दफ़ा हाथ कट गया था तो द्रौपदी ने साड़ी बांधी थी, उसके बाद रक्षाबंधन वाला त्यौहार शुरू हुआ, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं नहीं इससे रिलेटेड नहीं है, तो ज़रूर बताइएगा गाइस, ज़रूर बताइएगा। सो मेरा अकेले में रिएक्शन है, मैं फिर कह रहा हूँ यार आई एम सॉरी अगर कुछ आगे पीछे हो गया हो तो। और प्लीज़ चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और 5K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब पे पंच करते जाना ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए, इंस्टाग्राम पे भी जाएं और हमें ज़रूर फॉलो करें। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए गुड बाय।